नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के करबला में सिलेंडर में लगी भीषण आग से चार लोग बुरी तरह से झुलसे। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र करबला का है, जहाँ पर गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण चार लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनको इलाज के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि भंडारे का प्रसाद बन रहा था, उसी समय सिलेंडर में आग लग गई, जिसके चलते मौके पर आग की चपेट में लोग आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। चार लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यहां पर सभी का उपचार चल रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच की जाएगी, आग लगने का क्या कारण है और पूरी घटना ये कैसे घटित हुई। रिपोर्ट ऋषि पंडित। कहाँ की बात है? का मामला क्या है? जी देखिए, थाना दक्षिण क्षेत्र में करबला की गली नंबर 9/2 में जो है एक मकान में आग लगी थी। मकान बड़ा कंजेस्टेड था, वहाँ पे सिलेंडर लीक होने से आग लग गई थी। उसमें जो हल्के फुल्के जो है चार लोग झुलस गए हैं, उनको तत्काल यहाँ हॉस्पिटल भिजवाया गया है। आग पे काबू पा लिया गया है और आगे इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आगे जो भी होगा इसकी जाँच की जाएगी कैसे आग लगी। क्या प्रसाद बन रहा था, क्या बन रहा था? ये लोग बता रहे थे पूड़ी उड़ी बना रहे थे, उस समय जो है सिलेंडर लीक हुआ, उनका प्रॉब्लम था तो पूड़ी उड़ी बना रहे थे, तो सिलेंडर जो है लीक हुआ, उससे आग लगी।